Subscribe now for all the latest and trending updates. सीरियल अनुपमा की पूरी टीम इस वक्त काफी ज्यादा सदमे में है। दरअसल एक्टर पारस कल्लावत के पिता का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। पारस जो कि सीरियल अनुपमा में अनुपमा के बेटे समर शाह की भूमिका निभा रहे हैं, वो सेट पर शूटिंग कर रहे थे तभी उनकी माँ का फ़ोन आया कि उनके पिता को अस्पताल ले जाया जा रहा है और इस खबर से पूरी टीम को गहरा झटका लगा। पूरी टीवी इंडस्ट्री को इस दुखद खबर ने झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, अनुपमा के सेट पर मौजूद एक सूत्र से ये पता लगा है कि पारस कल्लावत को उनकी माँ का फ़ोन दोपहर करीब 1:30 बजे आया। वो लगातार रोए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि लिफ्ट में गिरने के बाद उनके पिता को अस्पताल ले जाया जा रहा है। कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद पारस ने भी प्रोडक्शन टीम की बाइक ली और अस्पताल पहुँचे। खबर है कि पारस के साथ रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा, सुधांशु पांडे और अन्य सहित शो के पूरे कलाकार और क्रू मेंबर्स भी अस्पताल के लिए रवाना हुए। हालांकि जब अस्पताल पहुंचे तब पारस कल्लावत को खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो चुका है। पारस पूरी तरीके से टूट चुके थे। अचानक हुए इस हादसे ने उन्हें पूरे तरीके से तोड़ दिया है। बता दें आपको कि पारस हाल ही में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। कुछ दिनों पहले ही कोरोना को मात देकर उन्होंने अनुपमा की शूटिंग फिर से शुरू की थी। अभिनेता एक ब्रेक के बाद वापस काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। एक इंटरव्यू में अभिनेता ने यह भी कहा था कि उन्हें खुशी है कि उनके पिता भी कोरोना से ठीक हो गए हैं। वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और हाल ही में उनकी एंजियोग्राफी भी हुई थी। गौर हो इस बात पर कि पारस कल्लावत ने साल 2017 में सीरियल मेरी दुर्गा के साथ अभिनय की शुरुआत की थी। वो मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव और दिल ही तो है जैसे शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। पारस ने अनुपमा के साथ खासा लोकप्रियता हासिल की। जहां वो रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा के बेटे की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं शो पिछले कई महीनों से TRP लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।